Hello, class 6 student. Now I am going to start your new chapter in online class. That chapter number 4. That is Introduction to MS Excel 2016. But as in my PC, I can't go with the 2016. In my PC, here is 2019 Excel. तो एक्सेल कैसे ओपन करेंगे, स्टार्ट मेनू में क्लिक करेंगे, तुम लोग देख सकते हो मेनू ओपन हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ई ढूंढेंगे, ई से एक्सेल, एक्सेल में क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा, राइट। वेन एवर दिस इज ऑन देन आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन एक्सेल, एक्सेल में डबल क्लिक करेंगे मतलब ब्लैंक शीट में, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ एक्सेल। राइट नाउ यू हैव एक्सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एक्सेल वी हैव हम लोग एक्सेल में क्या सीख सकते हैं, हम लोग वर्ड में टेबल यूज करना सीख चुके हैं, राइट। द टेबल्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो एक्सेल में बट कैलकुलेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इन एक्सेल इट इज़ वेरी ईजी, नथिंग एल्स। यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि दिस इज़ प्रैक्टिकल थिंग, आई शुड हैव टू गो विद द प्रैक्टिकल। तुम लोग देखोगे और लर्न करोगे और सीखोगे, राइट। तो तुम लोगों के लिए अभी देख सकते हो, यहाँ पे मैं इस कर्सर को दिखा रहा हूँ, दिस इज़ टोटल एक्सेल, राइट। तो एक्सेल में अभी मेरे वीडियो को बीच में ला रहा हूँ, तो एक्सेल का स्क्रीन मुझको तुम लोगों को समझाना है। तो फॉर दिस आई एम गोइंग टू पेज नंबर 44 ऑफ योर बुक, यू कैन गो थ्रू द थिंग, ठीक है। तो एम एस एक्सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। एम एस एक्सेल में ऑल सच कैलकुलेशन कैन बी ईजीली डन यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ पेपर लेआउट कॉल्ड स्प्रेडशीट। और ये जो पेपर लेआउट है, ये जो लेआउट देख रहे हो तुम लोग, मतलब रो और कलम, मतलब सेल्स के फॉर्मेट में पेपर लेआउट, इस पेपर लेआउट को कहा जाता है स्प्रेडशीट, ठीक है। इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, इस पेपर लेआउट को। तो एम एस एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ स्प्रेडशीट, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ स्प्रेडशीट है। हम लोग ऐसी पेपर अगर दुकान से खरीदते हैं दैट इज स्प्रेडशीट, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वर्जन देखते हैं तो एक्सेल कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहता है, राइट। राइट नाउ आई हैव टू गो विथ क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज आवर डेटा, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे डेटा को, हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। डू वेरियस कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा, सम एवरेज काउंट मैक्स मीन ये सब कर सकते हैं। देन ग्राफिकल व्यू ऑफ डेटा स्टोर्ड, ग्राफिकल व्यू कहाँ से देख सकते हैं, इंसर्ट में मेनू में क्लिक करके हम लोग चार्ट्स, यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, चार्ट्स में ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं, ठीक है। फिल्टर एंड सॉर्ट, फिल्टर एंड सॉर्ट होम मेनू में मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, शॉर्ट भी दिख पाओगे तुम लोग यहाँ पर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर एंड सॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। एंड फॉर्मेट डेटा, फॉर्मेट डेटा थ्रू दिस अलाइनमेंट अंडर द होम टैब और होम रिबन के अंदर फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप के साथ हम लोग डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, नंबर फॉर्मेटिंग मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और उसके साथ स्टाइल्स सेल्स एंड टाइल्स एंड सेल्स फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मेटिंग हम लोग कर पाएंगे। तो एम एस एक्सेल के इंटरफेस को हम लोग समझते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम बॉक्स, सॉरी यहाँ पे जो जो दिया गया है मैं उन लोगों को मैं पहले बोल दूंगा तुम लोगों को, उसके बाद ही मैं जाऊंगा, राइट। क्या क्या है, द फर्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, दिस बार इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार, यू कैन सी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। देन टाइटल बार, दिस इज टाइटल बार, टाइटल बार के लेफ्ट की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये टाइटल बार है, बुक वन एक्सेल लिखा हुआ है। देन टैब्स, दीज आर द टैब्स, फाइल इज द बैक स्टेज व्यू, होम फाइल इज द बैक स्टेज व्यू, और होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूलाज, दीज आर कॉल्ड टैब्स और रिबन्स, राइट। देन बटन्स, बटन्स हर एक टैब के अंदर जो बटन है ये है बटन्स, ठीक है, हम लोग बटन भी पहचान लिए। देन रिबन, रिबन बटन्स जिसमें कॉन्टेंट करता है, दिस
टोटल पोर्शन इज कॉल्ड रिवन, राइट। लंबा हो रहा है बहुत, कुछ कर नहीं सकते हैं। वीडियो देन नेम बॉक्स, दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स, मैं नेम बॉक्स दिखा दिया। देन नेम बॉक्स के बाद में है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या है, नेम बॉक्स के अंदर जो E1 है, ए इज द कलम नेम एंड वन इज द रो नेम। हम लोग कोई भी सेल में क्लिक करेंगे तो नेम, तो नेम बॉक्स में नेम दिखाता है। नेम इज कॉल्ड सेल एड्रेस। सेल एड्रेस नेम बॉक्स में जो दिखाता है, दैट इज सेल एड्रेस, नेम बॉक्स के अंदर जो दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे है रो नंबर, दीस आर कॉल्ड रो नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन कलम लेटर ए बी सी डी एफ जी एच, इट इज़ कॉल्ड कलम लेटर्स। देन सेल्स रो एंड कलम जब जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सेल्स, राइट। रो एंड कलम इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड सेल। A3, ठीक है, इंटरसेक्ट होके A3 सेल। देन फार्मूला बार, फार्मूला बार, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे फार्मूला बार में हम लोग भी देख पाएंगे, राइट। एंड आई हैव टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। ये हो गया फार्मूला बार। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीट है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर, इट इज़ अ वन सीट। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने जो बोला था, हाउ मेनी कलम इज ओवर हियर, ए से लेकर कंट्रोल देकर मैं राइट एरो दे रहा हूँ, एक सेफ्टी, राइट। तो हाउ मेनी कलम इज देयर, हम लोग कैसे समझेंगे एक सेफ्टी का मतलब, मैं दिखा रहा हूँ वन। देन यहाँ पे मैं फील में जाऊँगा, राइट फील करूँगा, फील सीरीज करूँगा, रोज में करूँगा, वन स्टेप वैल्यू, वन स्टॉप वैल्यू 256, राइट 256। सॉरी यहाँ पे मुझको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट करके आना है। सिलेक्ट पहला वाला, देन फिल, देन सीरीज, देन रोज, लीनियर, वन स्टॉप वैल्यू 255, ओके 255 तो कम हो गया, बहुत कम हो गया, एक सेफ्टी। एक सेफ्टी का मतलब क्या है मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ, रुक जाओ। सीरीज स्टॉप 50,000,16,384 मैंने दिखा दिया। और रो नंबर दिखाऊंगा कैसे, कंट्रोल डाउन एरो, दिस इज़ द रो नंबर 10, लिख के दिखा देना चाहता हूँ 1048576। राइट नाउ आज के दिन में हम लोग 2016 के रही या 2019, वट एवर द ऑफिस पैकेज वी आर यूजिंग, हम लोग देख पाएंगे ये। तो मेरा पहला वीडियो यहीं तक में ख़त्म होता है और मैं आगे नहीं बनाऊँगा। थैंक यू।